ठीक है अमित, रोक रही हूँ मैं आपको। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, श्रीनगर में सिख समुदाय की दो लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। दो सिख लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जेके हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। इस दौरान कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़े ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जमकर यहां पर हंगामा करते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं, वहां नारेबाजी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, विरोध प्रदर्शन हो रहा है सिख लड़कियों के जबरन निकाह कराने को लेकर। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। बाकायदा इनको रोकने के लिए देखिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन ये लोग बैरिकेड के ऊपर खड़े नजर आए। कुछ महिलाएं भी यहां पर नजर आ रही हैं। श्रीनगर में सिख समुदाय की दो लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और ये तस्वीर कुछ वैसा ही बयां कर रही है। दो सिख लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर थामे यहां पर सिख समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। उनके साथ भारी तादाद में महिलाएं भी इस वक्त तस्वीरों में दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के लोग दिल्ली में सड़कों पर हैं। जम्मू कश्मीर हाउस के ठीक बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में तीन लड़कियों से जबरन निकाह पढ़वाया गया और उनको इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया। इससे पहले भी इनका आरोप है कि 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं। ये जागो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसमें मंजीत सिंह ग्रेटर कैलाश भी हैं जो कि मुख्य नेता हैं इसके। उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए, जो पहल नहीं हुई है। लगातार धर्म परिवर्तन की घटना वहाँ हो रही है और इनका दावा है कि सिखों की वजह से कश्मीर को प्रोटेक्ट किया गया, भारत के अंदर रखा गया, लेकिन उनके हितों की रक्षा में भारत सरकार जो है वो पीछे हट रही है। इसलिए यहाँ से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि कम से कम वहाँ जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस तरह की घटना बार बार वहाँ पर होती है, गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की जाती है, सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वही आरोप लगाकर कि ये लोग यहां आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग पृथ्वीराज रोड राजधानी दिल्ली पर इकट्ठा हुए हैं, जम्मू कश्मीर हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर देखिए सिख समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हैं, कई महिलाएं इसे थामी हुई नजर आ रही हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि इनका जेके हाउस पृथ्वीराज पर जब ये जुटे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बैरिकेड्स लगाए गए, इनको वहीं पर रोकने के लिए ये इंतजाम किया गया, लेकिन लोग जो हैं वो अब बैरिकेड के ऊपर खड़े चढ़े नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है स्थिति पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भारी तादाद में महिलाएं भी तस्वीरों में जरा देखिए इस वक्त मौजूद है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों, दरअसल ये विरोध प्रदर्शन इलाके में लोगों का इकट्ठा होना जो है वो गैरकानूनी होगा, इसलिए सब लोग वापस चले जाएं। यहाँ पुलिस की तरफ से काफी ज्यादा सुरक्षा रखी गई, खास करके जम्मू कश्मीर हम समय के नाते यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स सशस्त्र के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि बैरिकेड को लाकर कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर हाउस तरफ ना जा पाए, लेकिन यहाँ लोग जो है उसी टाइम लगातार धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा इसके नारे लग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पर काफी लोग चढ़े हुए हैं, आक्रोश सीधा सीधा दिख रहा है। उन लोगों ने ज्ञापन भी बनाया जो यहाँ से ये लोग सौंपना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। प्रणव दास के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये आप लोगों को देख रहे हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। करीब 100 प्रदर्शनकारी जो है पृथ्वीराज रोड के जेके हाउस पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं, और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन,
देखिए अर्पिता, इन लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेस्ट का यहाँ पे जो है परमिशन इनको मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर हाउस जो कि राजधानी दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर है, लुटियंस दिल्ली के इलाके में, काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो सिखों का प्रदर्शन अब खत्म होने वाला। इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, सिख समुदाय की लड़कियों का, उसको रोका जाए। सरकार एक्शन ले चुकी दिल्ली, जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के हाथ में, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के सिखों ने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज करा दिया है। प्रोटेस्ट के बाद जो है देखना होगा कि सरकार की तरफ से इनकी मांग को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फिलहाल 100 से 150 लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने अपना एक ज्ञापन सौंपा है सरकार को और वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पीछे भी 2018 में ऐसी घटना हुई थी, वहां गुरुद्वारे पर हमला किया जाता है, इन तमाम जो घटनाएं होती है इसके खिलाफ फौरन एक्शन ले और सरकार सख्त कार्रवाई करके जो भी दोषी है उसको दंडित करे। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं और विरोध इस बात को लेकर कि दो सिख लड़कियों के जबरन निकाह हुआ और उसी का विरोध दिल्ली में भी चल रहा है, उसी का विरोध श्रीनगर से भी, वो तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे सीधे सरकार के दखल की बात अब ये संगठन कर रहे हैं। बाकायदा एक ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर हाउस, पृथ्वीराज रोड पर जो मौजूद है वहां पर गए हैं, वहां पर ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब आगे कार्रवाई देखते हैं कि क्या होती है, लेकिन ये दो तस्वीरें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, जो सिख समुदाय के लोग हैं करीब 100 से 150 प्रदर्शनकारी ये दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर जुड़ते हैं, वहां पर उन्होंने अपना विरोध जताया, हाथों में बैनर पोस्टर थामे, बैरिकेड पर चढ़े, जमकर नारेबाजी करते ये लोग। फिलहाल अपना ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में उसे रोकी जाए। दो सिख लड़कियों के जबरन निकाह की खबरें कुछ दिन पहले आई थी और उसके विरोध में ही दरअसल ये लोग सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रदर्शन करते लोग और प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने भी पहुंचा। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, आपने खुद मुलाकात की मनोज सिन्हा से, क्या कहा आपने? नहीं, हमने गवर्नर साहब को जी जो ये जाती हुई है सिख बच्चियों के साथ, इसके बारे में आगाह कराया उनको, किस तरह से जो फोर्सफुली 18 साल की बेटी जो है, 18 साल एक महीने की, उसका एक अधेड़े के साथ शादी होती की जाती है और बकायदा कोर्ट में रात को लाया जाता है और जो लोग जुडिशरी है नीचे, जो नीचे कोर्ट में, वो उनका रोल भी जो है वो ठीक नहीं था। वो लड़के माँ बाप को मिलने भी नहीं देते अंदर कोर्ट में, जबकि लड़के के परिवार के लोग सब वहां पे हैं, लेकिन लड़की के किसी को भी आने नहीं देते अंदर। तो ऐसे में ये जो हालात बने हैं, इसके चलते जो जो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसी भी रुतबे सिख इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, दुनिया भर के सिखों में कुछ रोष है, जैसे वो भी मैंने उनको हैंड ओवर की, सब लोगों का इस पर बहुत बड़ा चिंता है। और हमने उनको ये कहा कि देखिए बेटी किसी सूरत में हम नहीं जाने देंगे, अब ये आपको तय करना है, हमें लड़ना पड़े मरना पड़े, हमें चाहे गोली को मार दे, लेकिन हम इस बात से अपनी पे पीछे नहीं हटेंगे। साहब किस तरीके का, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट कराऊंगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जरा ये देखिए लोग जो है सिख समुदाय के वो सड़कों पर है और विरोध इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सिख लड़कियों का जबरन निकाह कराया जा रहा है उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जहां एक तरफ दिल्ली में पहुंचे कुछ सिख समुदाय के लोग तो बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा वो उपराज्यपाल से मिलते हैं और उन्होंने भी अपनी बात वहां पर रखी। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पढ़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी, परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के पतक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और
मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं ताकि फोर्सफुली जो मेजोरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। और हमारी इस बात की भी चिंता है कि जो लोगों को आज कहा जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, तो आप उनको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे? जो लोग यहीं बैठे हैं जब वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं, इन सभी चीजों पर उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी माइनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक बार फिर से हमारे साथ हैं, अकाली दल के नेता। सिरसा साहब, आपने बकायदा जाकर ये उपराज्यपाल से मुलाकात के संदर्भ में किस तरीके का आश्वासन आपको मिला? क्या और भी ऐसे केसेस जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि वहां कुछ ऐसी और समस्याएं हैं लोगों के सामने? हेलो, मनजिंदर सिंह सिरसा, आवाज आप तक पहुंच रही है? सिरसा साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा तस्वीरें इस बीच देख लीजिए, ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, ये तस्वीरें इस बात की कि वो जो अन्याय वहां पर हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां एक तरफ एक दल जो है, एक समुदाय जो सिखों का है, वो पहुंचा दिल्ली, दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ। श्रीनगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की मनोज सिन्हा से, और उनसे भी इस बात के लिए शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इस तरीके की घटनाओं को ये समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में दो सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक तेजी से पहुंचेंगी। तो विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबरन धर्मांतरण का ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दो सिख लड़कियों की खबर सामने आती है कि उनका जबरन निकाह कर दिया जाता है, उसके विरोध में दिल्ली में सिखों ने यह प्रदर्शन किया। 150 प्रदर्शनकारी करीब पहुंचे पृथ्वीराज रोड, जेके हाउस पर। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वहां तक ले जाने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए गए, उनको रोकने की भी कोशिश हुई कि यहां से आगे वो नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक दल, एक प्रतिनिधि दल अंदर जाकर ज्ञापन जरूर सौंप कर आया है। हाथों में उस वक्त लोगों के बैनर और पोस्टर थे, कई महिलाएं जो थी वो भी सड़कों पर मौजूद थी। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा कि बैरिकेड पर चढ़े ये लोग नजर आ रहे थे। श्रीनगर में सिख समुदाय की दो लड़कियों के अगवा कर उनका जबरन निकाह पढ़वाने का मामला सामने आया, और उसी के बाद सिख समुदाय जो है वो काफी नाराज है, और ये नाराजगी अब तस्वीरों में देखी जा सकती है। जहां एक तरफ दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर हम आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर ये समुदाय भारी तादाद में पहुंच रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। वहीं अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरका जो है वो उपराज्यपाल सिरसा जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कराई है। आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द जो भी संभव कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, आप दिल्ली में उस जगह पर जहां पर अब से थोड़ी देर पहले 150 सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ज्ञापन लेकर दरअसल वो अंदर जाना चाह रहे थे, क्या उन्होंने ज्ञापन अपना पहुंचा दिया? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला? और फिलहाल स्थिति क्या है, जरा तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाइएगा। देखिए अर्पिता, अभी की स्थिति की बात करें तो सामने आप देख सकती है कि प्रोटेस्ट जहां पर हो रहा था वो जगह खाली हो चुकी है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए लोगों को यहां पर इकट्ठा होने की अनुमति थी। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जम्मू कश्मीर हाउस है और ये रेजिडेंट कमिश्नर जो होते हैं उनका भी यही पे